14 नशस्तें हैं जी कौमी असम्बली की लाहौर डिवीज़न की, जिसमें 10 नशस्तें डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा, डिस्ट्रिक्ट कसूर और डिस्ट्रिक्ट ननकाना की हैं, 14 नशस्तें लाहौर ज़िले की हैं। कौन लीडिंग पोजीशन में, मैक्सिमम सीट्स कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हासिल कर सकती है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ हैदर हयात खान। हम वीलॉग में डिस्कस कर रहे थे जी लाहौर डिवीज़न को, और पहले सेगमेंट में हमने डिस्कस किया लाहौर डिस्ट्रिक्ट को, जिसके 14 हलके थे और 14 के 14 हमने डिस्कस किए, और हमारे एनालिसिस के मुताबिक 14 में से 4 हलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जबकि 10 हलके मुस्लिम लीग नवाज़ के पास जाते दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे लाहौर डिवीज़न की, बकिया 3 अजला के जो 10 हलके हैं उनको डिस्कस करेंगे। 4 हलके आते हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के, 4 हलके डिस्ट्रिक्ट कसूर के और 4 ही हलके सॉरी 2 हलके आते हैं डिस्ट्रिक्ट ननकाना के। आगाज हम करेंगे डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब से, क्योंकि एन ए 111 अगर हम आए न्यूमेरिकल ऑर्डर में तो एन ए 111 और 12 ये 2 हलके बनते हैं जी डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब के। फिर 13, 14, 15 और 16 जो है ये हलके बनते हैं डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के, जबकि फिर 31, 32, 33, 34 ये हल्के बनते हैं डिस्ट्रिक्ट कसूर के। तो न्यूमेरिकल ऑर्डर में हम डिस्ट्रिक्ट ननकाना से आगाज़ करते हैं। 111 पहला हल्का है जी, यहाँ पर चौधरी अरशद साही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, मुकाबला इनका बरजीस ताहिर साहब से जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। हमने इस हल्के का एनालिसिस, बड़ा डिटेल एनालिसिस पहले भी आपके साथ शेयर किया, और हमने उस एनालिसिस के अंदर आपको बताया कि इस हल्के में जो एक अराइंज जेट कम्बिनेशन है 122 असम्बली के हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और दूसरे हलके में दोनों उम्मीदवार जट बरदरी के हैं, लेकिन तारिक महमूद बाजवा साहब उस हलके से जो आज़ाद हैसियत पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग भी समझे जा रहे हैं, इलेक्शन जीतने की पोजीशन में भी हैं, हो सकता है कि आज़ाद हैसियत में उस हल्के से इलेक्शन भी जीत जाए 122 असम्बली का। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नहीं है वो, वैसे आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को कौमी असम्बली के नशस्त पर। तो अगर वो भरपूर सपोर्ट करते हैं और दूसरे हलके में जट रही कम्पिटिशन चल जाता है, तो ये हलका जो 2008 में भी नून लीग जीती, 13 में भी नून लीग जीती, 18 में भी नून लीग जीती, वो अब नून लीग हार सकती है। यानी एन 111 में अरशद साही साहब हमारे नज़दीक ज़्यादा मजबूत पोजीशन में है। अगला हल्का है जी एन 112 ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार हैं, और सॉरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, डॉक्टर शिजरा मनसब अली खरल जो हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार हैं। डॉक्टर साहब अभी हल्के से पहले MNA रह चुकी हैं, ब्रिगेडियर साहब की उन्होंने शिकस्त दी थी, फिर 2018 में डॉक्टर साहब जीत गई, ब्रिगेडियर साहब की तरफ से को हरवाया गया, मतलब इंतजामिया साथ मिली हुई थी और ब्रिगेडियर साहब को जितवाया गया इस हल्के के अंदर। फिर इमरान खान साहब ने इस हल्के से बाई इलेक्शन कंटेस्ट किया, डॉक्टर साहब ने बहुत टफ टाइम दिया, और तब भी मैंने एक फैमिली का जिक्र किया था राणा जुल्करनैन की जो फैमिली है उसने सपोर्ट की डॉक्टर शजरा मनसब अली खरल साहबा को, तो वो हल्का जीत गई। इस इलेक्शन में राणा जुल्करनैन की फैमिली जो हल्के में 20,000 वोट की मालिक है, बड़ा असर है उनका पॉलिटिकली, वो फैमिली चूँकि सपोर्ट कर रही है कौमी असम्बली के नशस्त पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को। 122 हलके में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमीर हसन गुड खान जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और एक हलके में वो मुस्लिम लीग नवाज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस फैमिली की वजह से इस हलके के नतज जो हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर हैं। और ननकाना सिटी में तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह साहब की पोजीशन बहुत मजबूत है, अच्छी है, लेकिन जब सिटी से बाहर जाते हैं तो ग्रेजुअली उनके वोट बैंक में कमी होती जाती है, और इस हलके में डॉक्टर शिजरा साहबा यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वो इलेक्शन जीत की दिखाई दे रही है। तो डिस्ट्रिक्ट ननकाना के जो 2 हलके हैं कौमी असम्बली के, एक हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरे हलके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कामयाबी के इम्कान हैं। तो ऐसे में जो टोटल रिजल्ट होता है वो है जी 16 हलके हमने डिस्कस कर लिए लाहौर डिवीज़न के, 16 में से 12 सॉरी हाँ जी 12 हलके मुस्लिम लीग नवाज़ और 5 हलके जो हैं ये 11 हलके मुस्लिम लीग नवाज़ और 5 हलके जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाते दिखाई दे रहे हैं।
आगे चले डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा की बात करें, N113, N114, N115 और N116 ये चार कौमी असम्बली की नशस्तें हैं डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा की। N113 में ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, राना अहमद अतीक अनवर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं, N114 में अरशद महमूद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जबकि राना तनवीर हुसैन साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं, N115 में खुर्रम शहजाद विरक साहब और मियाँ जवेद लतीफ साहब के दरमियान मुकाबला है जबकि N116 में खुर्रम मुनव्वर मन साहब और सरदार इरफान डोगर साहब के दरमियान मुकाबला है। N113 से आगाज करें, ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब 2018 में सिलेक्शन में जितवाए गए थे, जीते नहीं थे। उस वक्त इनका मुकाबला राना अफजाल हुसैन साहब से था जो राना अहमद अतीक अनवर जो इस सिलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवार हैं इनके वालिद साहब हैं और राना तनवीर हुसैन साहब के भाई हैं। इन इंतखाबात में राना अहमद अतीक अनवर साहब को मुस्लिम लीग नवाज ने टिकट दिया है और राना अहमद अतीक अनवर ये पहले डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन शेखुपुरा भी रह चुके हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, हल्के के लोगों के साथ रबते में है, कुछ अच्छा और बेहतर हल्के के लिए करना चाहते हैं, खासतौर पर यूथ इनके साथ बहुत जुड़ी हुई है। तो इन इलेक्शंस में राना अहमद अतीक अनवर जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं और N113 जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास जाता दिखाई दे रहा है। N114 की बात करें तो अरशद महमूद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और राना तनवीर हुसैन साहब इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं। राना तनवीर हुसैन साहब का सबको पता है कि मुस्लिम लीग नवाज की टॉप टीयर जो है उसमें इनका शुमार होता है। जब भी मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत में ये फेडरल मिनिस्टर होते हैं फिर ये मियाँ बरादरान के साथ इनके बड़े क्लोज टाइज हैं और बड़े मतलब सुलझे व धीमे मिजाज के पॉलिटिशियन हैं और हल्के में भी ये लोगों के साथ बहुत रबते में हैं। काफ़ी अरसे से इलेक्शन चूँकि जीतते भी आ रहे हैं इसलिए जो है ये हल्के के ज़्यादातर हालात से वाकिफ भी हैं, लोगों के साथ भी कॉन्टेक्ट में रहते हैं। ये हल्के में भी राना तनवीर हुसैन साहब की पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम है और ये हल्का भी हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास जाता दिखाई दे रहा है। अगला हल्का है N115, खुर्रम शहजाद विरक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है, मुकाबला इनका मियाँ जावेद लतीफ़ साहब से है। मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार मियाँ जावेद लतीफ़ साहब भी शेखुपुरा में बहुत पॉपुलर हैं, बहुत काम करवाए इन्होंने शेखुपुरा में लेकिन इन्होंने सूबाई असम्बली की नशस्त पर अपने भाई को खड़ा किया है शेखुपुरा सिटी से और ये वो इलाका है जहाँ पर सम हाउ ये चीज़ें मैटर करती हैं बिरादरीज भी, मतलब नो डाउट पार्टी वोट बैंक बहुत ज़्यादा है शेखुपुरा सिटी में, नून लीग का बहुत वोट है, तहरीक इंसाफ का बहुत वोट है लेकिन वहीं बिरादरीज भी बहुत मैटर करती हैं। अच्छा यहाँ पर हुआ ये कि यहाँ पे अराई और जट बिरादरी दो बड़ी बिरादरी हैं, अराई बिरादरी का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर जट बिरादरी का वोट बैंक है। कौमी असम्बली की नशस्त पर यहाँ पर तहरीक इंसाफ ने जट उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अराई हैं। सिमिलरली सूबाई असम्बली की नशस्त पर भी जो शेखुपुरा सिटी है नून लीग ने जावेद लतीफ़ साहब के भाई साहब को टिकट दिया है, अमजद लतीफ़ साहब को, तहरीक इंसाफ ने तैयब राशिद संधू साहब को टिकट दिया है। ये पहले आज़ाद हैसियत में तकरीबन 18-20 हज़ार वोट इन्होंने लिए थे और काफ़ी मजबूत और पॉपुलर है अपने हल्के में और सूबाई असम्बली की नशस्त पर काफ़ी मजबूत समझे भी जा रहे हैं। तो हम तहरीक इंसाफ के मौजूदा वोट बैंक को सामने रखते हुए फिर खुर्रम शहजाद विरक साहब जो बाई इलेक्शन जीते थे, जो पंजाब की 20 नशस्तों पर बाई इलेक्शन हुए थे सूबाई असम्बली की, उनमें खुर्रम साहब कामयाब हुए थे, बड़ी भारी इनकी लीड थी और उसके बाद ये वज़ीर कानून भी रहे पंजाब के, बाद हज़ा इनकी कुछ मामला तहरीक इंसाफ के सर्कल्स में ख़राब भी हुए लेकिन समहाउ इन्होंने कोशिश की है कि उनको बेहतर किया जाए और अभी हम इनकी कैंपेन को सामने रखते हुए इस एनालिसिस पर पहुँचे हैं कि ये हल्का जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाता दिखाई दे रहा है, यानी N115 में जावेद लतीफ़ साहब के जीतने के चांसेस काफ़ी कम है। आगे बढ़े N116 की बात करें, खुर्रम मुनव्वर मन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, सरदार इरफान डोगर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं। इस हल्के में एक और उम्मीदवार हैं जी ज़हीरुल हसन शाह साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं और वो भी हल्के में बहुत पॉपुलर हैं। तो इस हल्के में तीनों के दरमियान अच्छा कंपटीशन होगा, हेल्दी कंपटीशन होगा। एक जो सूबाई असम्बली की नशस्त है PP 142, यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज और तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तीनों के दरमियान कौमी असम्बली की नशस्त पर बड़ा कंपटीशन होगा और यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज सूबाई असम्बली की नशस्त पर हमें कामयाब होती दिखाई दे रही है लेकिन कौमी असम्बली की नशस्त पर तीनों में मुकाबला होगा। आगे चलें PP 141 जो है जो इस हल्के का के अंदर सूबाई असम्बली की एक और नशस्त है, वहाँ पर सरफराज डोगर साहब बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सूबाई असम्बली की नशस्त पर हमें सरफराज डोगर साहब कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। दूसरा जिसका सूबाई असम्बली का हल्के जिसकी कुछ 10 यूनियन काउंसिल्स आती हैं इस कौमी असम्बली के हल्के में, उसमें शेर अकबर खान साहब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और उनके जीतने के काफ़ी चांसेज हैं, मुकाबला उनका इश्तियाक डोगर साहब से जो मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं। यानी इस कौमी असम्बली की नशस्त में जो सूबाई असम्बली की नशस्तें आती हैं उनमें एक नशस्त पर महमूदुल हक साहब जो मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं वो कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, दो हल्कों में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंपटीशन है वो बड़ा टफ है खुर्रम मुनव्वर मन साहब और सरदार इरफान डोगर साहब के साथ ओवरऑल, और हमें
स्लाइट मार्जिन के साथ सरदार इरफान डोगर साहब इस हल्के में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। उसके मल्टीपल रीजंस हैं जो आज तो चूंकि हम मुख्तसर सा एनालिसिस कर रहे हैं इसलिए वो मैं आज के वीलॉग में डिस्कस नहीं करूंगा, आगे चलेंगे। अभी अभी तक हमारे टोटल हो गए हैं जी 20 हल्के, 20 हल्कों में तकरीबन 15 हल्के जो हैं, सॉरी 14 हल्के जो हैं उनमें मुस्लिम लीग नवाज, और 6 हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होती दिखाई दे रही है। अब रह गए जी लाहौर डिवीजन के 4 हल्के, और ये चारों हल्के डिस्ट्रिक्ट कसूर के NA-131, NA-132, NA-133 और NA-134। NA-133 में मकसूद अंसारी साहब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, साद वसीम शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं, NA-132 में सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं, NA-133 में डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, जबकि उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के राणा इसहाक खान साहब से है, और NA-134 में सिदरा फैसल जो है उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नवाज के राणा हयात साहब से है। NA-131 से आगाज करें, चौधरी मंजूर साहब तीसरे नंबर पर आएंगे, रीजन ये कि वो पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, अदरवाइज ही इज अ जेंटलमैन पॉलिटिशियन, बहुत बेहतरीन पॉलिटिशियन है, बहुत बेहतरीन सियासतदान है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चूंकि इतना वोट बैंक नहीं है इन हल्कों में इसलिए चौधरी मंजूर साहब की पोजीशन इतनी बेहतर नहीं है, वो कि वो इसी हल्के से एक मरतबा कौमी असम्बली की नशस्त पर कामयाब भी हो चुके हैं। मकसूद अंसारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, लेकिन साद वसीम जो है ये हल्के में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और इन्होंने गुज़िश्ता इंतखाबात में इसी हल्के से सरदार आसिफ अहमद अली साहब को करीब 80,000 वोट्स के मार्जिन से शिकस्त दी थी, तो आइंदा इंतखाबात में इनकी लीड तो उतनी नहीं होगी, लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नवाज हमें यह हल्का जीती दिखाई दे रही है। 132 की बात करें, सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मुकाबला है, यहाँ पर सूबाई असम्बली की जो दो नशस्तें हैं दोनों पर मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार बहुत मजबूत हैं, और मुस्लिम लीग नवाज इस हल्के में भी यानी 132 में भी हमें जीती दिखाई दे रही है। अगला हल्का 133 है, जहाँ पर डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी साहब और राणा इसहाक साहब के दरमियान मुकाबला है, गुज़िश्ता इंतखाबात में दोनों उम्मीदवारों ने 1,00,000 से ऊपर वोट्स लिए थे और 9,000 वोट्स के मार्जिन से राणा इसहाक साहब कामयाब हुए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1,21,000-22,000 वोट्स इनके थे और 1,12,000-13,000 वोट्स डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी साहब के थे। आइंदा इंतखाबात में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को सामने रखते हुए ये समझते हैं कि ये हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जा सकता है, और मुस्लिम लीग नवाज के राणा इसहाक खान साहब जो 8 में 13 में और 18 में मुसलसल 3 दफ़ा कामयाब हुए वो इस मरतबा हमें इस हल्के से हारते दिखाई दे रहे हैं। और अगला हल्का है 134 है, जहाँ से सिदरा फैसल तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार हैं, जबकि मुस्लिम लीग नवाज का टिकट राणा हयात खान साहब के पास है। राणा हयात साहब जो हैं वो 2013 में इस हल्के से कामयाब हुए थे, 8 में उनको शिकस्त हुई थी, 18 में उनको हरवाया गया था, नकईस को इस हल्के में जितवाया गया था, तो इस हल्के में इन इंतखाबात के अंदर राणा हयात साहब की पोजीशन बेहतर है। और ये जो दोनों भाई हैं राणा इसहाक और राणा हयात साहब, 2018 में राणा इसहाक साहब जीते, हयात साहब हार गए, 13 में ये दोनों भाई जीते, अब 24 के अंदर राणा हयात साहब हमें जीतते दिखाई दे रहे हैं, जबकि राणा इसहाक साहब हमने पहले आपको बताया कि वो इलेक्शन लूज करते दिखाई दे रहे हैं। तो अब जी 24 मुकम्मल हल्के हमने जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, और हमारे एनालिसिस के मुताबिक 24 में से 7 नशस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जबकि 17 नशस्तों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जीतती दिखाई दे रही है। ये एनालिसिस है जी लाहौर डिवीजन का। 14 नशस्तें हैं जी कौमी असम्बली की लाहौर डिवीजन की, जिसमें 10 नशस्तें डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा, डिस्ट्रिक्ट कसूर और डिस्ट्रिक्ट ननकाना की हैं, 14 नशस्तें लाहौर ज़िले की हैं, और इन 24 नशस्तों में जो लाहौर डिवीजन की 24 नशस्तें हैं इनमें लाहौर डिस्ट्रिक्ट की 14 नशस्तों में 4 नशस्तें तहरीक इंसाफ के पास और 10 मुस्लिम लीग नवाज के पास जाती दिखाई दे रही हैं। डिस्ट्रिक्ट ननकाना की दोनों सीटों में 1 तहरीक इंसाफ और 1 नून लीग के पास जाती दिखाई दे रही है, जबकि डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा और डिस्ट्रिक्ट कसूर की 4 कौमी असम्बली की 4-4 नशस्तें हैं, 3-3 नशस्तों पर नून लीग और 1-1 नशस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती दिखाई दे रही है। ये हमारा एनालिसिस है लाहौर डिवीजन की 24 नशस्तों का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा, अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे ने इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, और 8 फरवरी को हर हाल में वोट ज़रूर कास्ट करने, जो आपको पसंद है, जिस पर आपका ज़मीर मुतमईन है उसको वोट कास्ट करने, लेकिन वोट लाजमी कास्ट करना। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।